दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा फेसबुक से रिलेटेड है। अगर आप एक फेसबुक यूज़र हैं तो आप अपने फेसबुक पर जो भी वीडियोस देखते हैं दोस्तों, वो वीडियो आपके जो होम पेज हैं उसी से रिलेटेड आपको सजेस्ट करता है। मतलब दोस्तों फेसबुक पर जो भी आप वीडियोस देखते हैं वो होम पेज पर आपको रिकमेंड करता है उसी टाइप के वीडियोस। और कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा वीडियो आ जाता है दोस्तों जो कि आप देखना बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि उस टाइप की वीडियो आपको यहाँ पर ना दिखे, तो आप बहुत ही आसानी से फेसबुक पर वॉच हिस्ट्री वीडियो को क्लियर कर सकते हैं या फिर सर्च हिस्ट्री वीडियो को क्लियर कर सकते हैं। अगर फेसबुक वॉच हिस्ट्री वीडियो को आप क्लियर या डिलीट करते हैं तो इसमें क्या होगा कि आपको फिर से नया वीडियो रिकमेंड नहीं करेगा उसी प्रकार का। और इसे आप दोस्तों हमेशा के लिए क्लियर कर देंगे तो आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आप जैसे ही फेसबुक ओपन करेंगे आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलते हैं उसी टाइप के। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम फेसबुक पर वॉच वीडियो हिस्ट्री को कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे AK ऑनलाइन सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल नोटिफिकेशन है उसे ज़रूर ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नया टॉपिक पर वीडियो पोस्ट करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर पहुंच सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, हमारा एक वेबसाइट पेज है, अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं AK ऑनलाइन सपोर्ट, अगर आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट में ही आपको लिंक मिलेगा। वहाँ क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट पेज को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आर्टिकल के माध्यम से मिलेगा और इसे पढ़ के आप डेली लाइफ में अप टू डेट रह सकते हैं। तो अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि फेसबुक पर वॉच हिस्ट्री वीडियो को कैसे हम डिलीट कर सकते हैं, यानी कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने फेसबुक एप्लीकेशन को सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से अपडेट कर लीजिएगा, ताकि यहाँ से जो मैं आपको तरीका बताऊँगा वो तरीका आपके एप्लीकेशन पर सेम टू सेम मैच हो। इसके लिए सबसे पहले यहाँ 3 लाइन पर क्लिक कीजिएगा। अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन है प्राइवेसी का, इसी प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक करना होगा। प्राइवेसी एंड सेटिंग पर क्लिक करने के बाद सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, अब आपको नीचे आना होगा। नीचे दोस्तों एक ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पर देख पाएंगे एक्टिविटी लॉग, यहाँ देख सकते हैं इसी एक्टिविटी लॉग पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, अब आपको नीचे आना होगा दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है व्यू एक्टिविटी हिस्ट्री, तो व्यू एक्टिविटी हिस्ट्री पर जैसे आप क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों जितने भी आप व्यू किए हैं सारा चीज़ आपका यहाँ पर दिखने लगेगा। अब आपको क्या करना है, ये फिल्टर वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कीजिएगा। जैसे आप फिल्टर पर क्लिक करते हैं तो दो ऑप्शन आएगा, एक तो दोस्तों कैटेगरीज और दूसरा डेट। तो अब आपको यहाँ पर कैटेगरीज सेलेक्ट करना है। कैटेगरीज पर सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ जब आप क्लिक करते हैं तो आपके और भी ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं सर्च हिस्ट्री, जिसमें आप देख सकते हैं सर्च हिस्ट्री, वीडियोस यू हैव वॉचेड लिखा हुआ है, साथ में वीडियोस यू हैव सर्चेड फॉर। तो अगर आप दोस्तों वॉच हिस्ट्री को क्लियर करना चाहते हैं फेसबुक पर कि आपने जो भी वीडियो देखा है वो आपका डाटा क्लियर हो जाए, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप सर्च हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे। तो हमें अभी क्या करना है, फेसबुक का वॉच हिस्ट्री डिलीट करना है, इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों देख सकते हैं जो भी मैंने फेसबुक पर वीडियो वॉच किया है वो सारा रिपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और जब तक हम इसे क्लियर नहीं करते हैं तब तक इसी टाइप के वीडियोज़ हमें सजेस्ट करता है। तो इसे क्लियर करने के लिए सिंपल दोस्तों आपको 3 डॉट पर क्लिक करना होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे डिलीट बटन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो भी वीडियो है आप एक एक करके ही यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, एक बार में आप सब डिलीट नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक बार में सब डिलीट करना चाहते हैं तो ऑलरेडी इस पर मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं। 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और डिलीट पर क्लिक करेंगे, ऐसे करके आप सारा एक एक करके जैसे डिलीट करते हैं तो जो भी वॉच हिस्ट्री है उसे आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों फेसबुक का सर्च हिस्ट्री डिलीट करने के लिए आपको बैक जाना है, फिर से यहाँ पर आपको आना होगा और उसके बाद जो सेम प्रोसेस मैंने आपको बताया है उसे ही आपको फॉलो करना होगा। फिल्टर्स पर जाने के बाद अब आप यहाँ पे कैटेगरीज में जाएंगे और उसके बाद सबसे लास्ट वाला ऑप्शन पर जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वीडियोज़ यू हैव वॉचेड, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं वीडियोस यू हैव सर्चेस। तो इस पर सर्चेबल पर क्लिक करिएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी सर्च किया हुआ नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिलीट कर दिया है। तो यही था दोस्तों कुछ तरीका जो कि आप फेसबुक पर वॉच हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं, साथ ही सर्च हिस्ट्री डाटा को डिलीट कर सकते हैं। आई होप कि आपको पता चल गया है दोस्तों फेसबुक पर सर्च हिस्ट्री और वॉच हिस्ट्री को कैसे डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सही, अगर आप फेसबुक से जुड़ी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।